आरएपीजी कॉलेज के 2023-24 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें इस सत्र की शुरुआत यज्ञ क्रिया के द्वारा की गई। आपको यह भी बता दें इस सत्र की शुरुआत को कराने में आर्य कॉलेज के विभिन्न विभाग के सदस्य मौजूद थे और आर्य कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। आपको वहीं बता दें कि आज हम मौजूद हैं कुछ प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ। आइए उनसे जानते हैं इनका पहले दिन का कॉलेज का अनुभव कैसा रहा। आइए अक्षय त्यागी, मुझे ये बताइए आप, जो आपका कॉलेज का पहले दिन का अनुभव है वो कैसा रहा? अनुभव बहुत ही अच्छा था, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, क्लासरूम भी बहुत अच्छे थे और क्लासमेट भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। कैंपस तो बहुत अच्छा है ही, नाम भी पहले बहुत सुना था और जैसी उम्मीदें थी वैसा है ये कैंपस। आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, टीचर यहाँ पे बहुत फ्रेंडली बच्चों के साथ रहते हैं और पढ़ाते भी अच्छे हैं और मोटिवेशन भी अच्छा देते हैं और यहाँ पर आज बहुत अच्छा लगा मुझे, क्लासेस भी बहुत अच्छी थी और टीचर्स में बहुत सी स्ट्रीम्स के बारे में बहुत स्कोप बताया जो इसका है मास कम्युनिकेशन का, जिससे हमारे अंदर भी कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ है और ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। आप मीडिया लाइन में क्या करना चाहते हैं? मैं मीडिया लाइन में एडिटर बनना चाहता हूँ। मेरा पहले दिन का अनुभव बहुत अच्छा है, मतलब मैं यहाँ पे इंजॉय भी कर रही हूँ काफ़ी, मतलब नए नए फ्रेंड्स बने हुए हैं मेरे, तो मतलब यहाँ पे आके मतलब मुझे ऐसे अलग नहीं लग रहा, मतलब अपना ही लग रहा है सब कुछ, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे आरएपीजी कॉलेज पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 कॉलेज है, आपको यहाँ की जो कैंटीन है उसका माहौल कैसा लगा? नहीं, काफ़ी अच्छा, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत अच्छा है सब कुछ। और जो टीचरों का रवैया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स यहाँ पे मतलब सारे सपोर्टिव है, लेक्चर्स भी मतलब कंटिन्यूसली लगते हैं, स्ट्रीम्स भी सारे बच्चों ने ले रखी है अपनी अपनी, तो मतलब अच्छा है सब कुछ, अच्छा है यहाँ पे। धन्यवाद। आप जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाले 3 सालों के लिए? तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मुझे नहीं आइडिया था कि इतना कुछ चेंज आएगा मेरी लाइफ में। इस कॉलेज ने बहुत सारे ऐसे स्टेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ और मौका दिया मुझे बहुत जगह परफॉर्मेंसेस करने के लिए। मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी गई थी, टाइकवांडो स्पोर्ट्स करती हूँ, उसके बाद डिबेट्स, डेक्लामेशन, टैलेंट सर्च, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब में पार्टिसिपेट करती हूँ, सही पोजीशंस आती है और यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है और मतलब सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि हमें यहाँ जाना चाहिए, वहाँ मतलब हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे एड ऑन कोर्सेज है, उसका भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट्स पे, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को एड ऑन कोर्सेज ज़रूर लेने चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था यहाँ पे इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो उसके बाद मेरे एक्सेंट में काफ़ी चेंज आया और जिस वजह से बहुत सारे स्टेट लेवल डिबेट्स और डेक्लामेशन कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और कॉलेज में भी मैंने एक PG-UG लेवल के डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट पोजीशन आई थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचर्स हद से ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। जैसे कि हमने इनसे बात की कि जो अलग अलग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्र हैं उनके अलग अलग कॉलेज में अपने अपने अनुभव है, क्योंकि हर एक बच्चा कॉलेज में कुछ ना कुछ अलग ही उम्मीद लेकर आता है कि वो अपना करियर बनाएगा, कोई स्पोर्ट्स में बनाता है, कोई आर्ट्स में बनाता है, कोई अलग चित्रकला में जाता है, लेकिन सबका सेम ही एक प्रोसेस है कि कॉलेज में आइए तो इंजॉय भी कीजिए और इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए और जिसकी रुचि स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स को भी अपना बढ़ावा दीजिए। इसी के साथ कैमरामैन विशु के साथ मैं उस्मान खान, ACP नेटवर्क, पानीपत।